إليك في هذه الحياة الدنيا أشهد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلا نصبي عينك تكلني إلا نفسي وحرمني إلا الشرط المخالف وإني لا تكلم الله وحدي فجلني عندك أحدا طافي عندك أحدا طافي إلا يوم القيامة ولا تكلم المياد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولصحابه اجمعين واحمد يا مرحمين لا باہر سے زنجیرہ اور کو بند کر ڈالو اس کو تیزی کے ساتھ میں اس کو جلاؤ پہلے آنکھ لگاؤ اس کے اندر تیزی سے اور تیزی سے جادو کرنے کیا لے گئی تھی اس کا کیا لی تھی زور سے بول کیا لی تھی کچھ بھی نہیں لے گئی ہاں किस चीज करी ऐसा कर दी फोटो घर में नहीं रहना बोड़ी हाँ वही घर में नहीं रहना कहते हैं हाँ अल्लाह हाँ मुझे बताती बोड़ी हाँ मुझे बताती बोड़ी हाँ तू कैसा रह रही बोड़ी अकेली हाँ मेरे तरफ आ बोड़ी मुझे हाँ मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही बोड़ी हाँ मैं हाँ मेरा बच्चा थोड़ा जलाओ उसको तेजी से अल्लाह अल्लाह जलाओ 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 आग लगाओ उसके अंदर और तेज से हाँ जलाओ उसको और तेजी से और किस किस को करी उसके घर में मेरे बच्चे का पाँव दुख रहा हाँ छोटे बच्चे का पाँव दुख रहा उन्हें क्या बड़ा मैं गिरा बड़ा पेशेंट का क्या नाम है अल्लाह अल्लाह जोर से बोलो उसका पाँव दुख शबाना बेगम का क्या करे क्या ले गए थे कपड़ा चप्पल जादू करने मेरे कपड़े ले गई हाँ मेरे कपड़े ले जाके दी उन्हें कौन से कलर का ड्रेस ले गई क्या ली साड़ी शर्ट दी मुख्तार को दी हाँ मुख्तार को दे के करने चालू करी मेरे को हाँ मेरी बहू ने करी मेरी बहू ने करी मेरे पास आ जाना बोड़ी घर छोड़ के हाँ मेरा घर छोड़ के उसके घर को जाना बोड़ी मैं अल्लाह 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 किस चीज में खिलाए शबाना बेगम को मेरे को मेरे को कहीं में भी नहीं खिलाई कहीं में भी नहीं खिलाई कपड़े ले जाके कर रही जादू कर रही कपड़े ले जाके कर रही मारने को मेरा कांटा निकालने को कर रहे घर से मेरा कांटा निकालने को कर रहे शमशान से कब्रस्तान से किधर से कर रहे जादू उन्हें वो नांदेड़ में एक मौलाना है मौलाना घर पे गया भाई उसका मेरा कपड़ा लेके गया शर्ट का कपड़ा लेके गया उदे कलर का शर्ट का कपड़ा लेके गया मेरा वो कपड़े पे खेल चालू करे उन्होंने ये महीना हो रहा खेल चालू करके अब क्या करने वाले मार देने वाले बर्बाद कर करके घर से निकल जाओ बोले मुझे बावरान करके हाँ दीवानी कर रहे मुझे बावरान करके मुझे दीवानी कर रहे पागल कर रहे मेरे आँखों में दर्द छोड़ दिए अच्छा मेरे तकलीफ दे रहे मेरे आँखों में चलना नहीं पैरों में आंग में पकाना नहीं खाना नहीं पागल हो जाना बोले मुझे पागल हो जाना बोले इन्हें कैसा रहती कैसा देखेंगे बोले मुझे चलो ठीक है इसके सारे जादू टोने को जकड़ लो और जकड़ के नष्ट कराने की तैयारी करो खत्म कराओ बर्खास्त कराओ पानी तेरा कम होता बड़े देखते बड़े सब खत्म करा रहे मार के अब्बा का राज चल रहा है लोगों को ऐसा परेशान बताऊं क्या आंखें तकलीफ कर रहे आंगा कर रहे पेट में कर रहे पेशाब चलो ये जादू को सब जकड़ो और जकड़ के पलटवार करने की तैयारी करो और ऐसे पलटवारा करो कि नाला को हाथों पांव ढीले कर दो मैं नहीं करती काम नहीं करती मैं नहीं अब हम तेरे को जलाएंगे अब तेरे बाप का राज चल रहा है मेरे को देखने का छे इनकी बॉडी मुझे अब हम हम जाना करते उसके नाक लगड़ते उसके घर पे जाना करते हम लाते ना तेरे को नाक रगड़ने के लायक नहीं छोड़ते उसके घर में जाना करते हम पानी पिलाओ दोनों मेरा जाना बोलो दोनों जाना कहाँ से आए क्या करते गाड़ी चला कहीं की
ये जो मसला है, ये जो दास्तान है, ये खुद ब खुद ऐसा कुछ लगे वाला नहीं है। ये खिला कर जादू टोने जो वार जो चलते बहुत अलग अलग किस्म के रहते, पूरा खुल के तो नहीं बोलूँगा मगर इन शॉर्ट में बताऊंगा कि ये दास्तान जो है तो ये करनी कौटालों के खिला चल रहे, कौन कर रहा क्या कर रहा हो तो नामा वो सब सामने आ रहे थे, मगर ये ऐसी हरकतें नहीं करना। मुसलमानों, अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग अगर अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को छोड़ देंगे, मजबूती से नहीं थामेंगे, रस्सी का मतलब ये कि इबादत की राहें छोड़ दी जाएंगी, कुरान हदीस पढ़ना छोड़ दिया जाएगा, तो तुम पर काफिर का ऐसा जालिम बादशाह मुकर्रर कर दूंगा जो तुम्हारे बुड्ढों पे भी रहम नहीं करेगा, बच्चों पे भी रहम नहीं करेगा। तो वही दौर चल रहा ना, आया समझ में दुनिया में? तुम ऐसे हरकतें करेंगे, जादू आटोने करेंगे, जादूगरों के पास जाएंगे, क्या सोच के तुम जादूगर के पास जा रहे? जादूगर के पास जाना सख्त मना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए दुनिया और आखिरत हर चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में बने आई है। सरकार ने फरमाया कि जो जादू करता वो हम में से नहीं है, जो जादूगर के पास जाता वो भी हम में से नहीं है। फिर शफात के वास्ते किसके पास जाएंगे लोगों? तुम किसके पास जाने वाले जादू आ करके? आदम अलैहिस्सलाम के पास, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शफात करेंगे। ईसा, मूसा, दाऊद, इब्राहिम, कौन से पैगंबर के पास जाएंगे? कोई पैगंबर तुम्हारी शफात नहीं करेंगे, सब ये बोलेंगे कि खुद हमारी शफात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने वाले। तो फिर तुम्हारी सरकार ने पहले ही फरमा दिया ना कि तुम हम में से नहीं, तो फिर तुम्हारी शफात ही नहीं होंगी और तुम फिर तो जहन्नुम के ईंधन बन गए लामहदूद जिंदगी भर जो भी रहेंगे वहां पर। तो इसलिए एक बात याद रखना, बार बार मैं बोलता हूँ कि इबादत की राह को मजबूती से थाम लो, कुरान पढ़ो, कभी रहमान पढ़ो, कभी सूरह यासीन पढ़ो, कभी ताहा पढ़ो, जो तुमको आता वो पढ़ो, कभी इमरान पढ़ो। कुरान पढ़ेंगे तो दिल पाएगा आराम। कुरान पढ़ा करो मोमिनों, ज्यादा से ज्यादा। और ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई पढ़ सकता, सबको अल्लाह ने किताब वो दिया दिए, वो किताब रहमतुल्लाह आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर अल्लाह ने भेजा और उनपे नाज़िल फरमाया, वो किताब सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा सारे आलम के लिए। अब तुम नहीं पढ़ेंगे ना मांगे सीख तो दर दर मांगे भीख, किसका क्या जाएगा? इसलिए अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है मगर मैं बार बार तुम लोगों को यही बोलता कि याद रखो, मेरी ये सीख है कि इबादत अगर तुम करेंगे और राह इबादत से नहीं भटकेंगे, नमाजें पढ़ा करो, सबसे पहली इबादत नमाज पढ़ो, फिर तुमको खुद कुरान पढ़ने की आदत लगेंगी, फिर खुद तुम्हारे हदीसें पढ़ने की आदत लगेंगी, फिर खुद तुम शरीयत से चलेंगे और खुद तुम शरीयत भेजेंगे। और जब तुम इबादत बहुत ज़्यादा करेंगे और दिल से करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी फिर ऐसा महफूज रखेंगे ऐसा वबाओं से, बलाओं से। अल्लाह हर मोमिन बंदे को बलाओं से, वबाओं से, आफतों से, जादू टोने से, ये सबसे महफूज रखे, क्योंकि किसी के घर में अगर घुसता तो उसको बहुत परेशान करता है ये सब चीज़ें, तबाही बर्बादी लगा देते, पहले तो पूरी इकोनॉमिक कंडीशन माशी हालात पूरे ख़त्म कर देते और उसके बाद पई पई को मोहताज करके, कौड़ी कौड़ी को मोहताज करके जान ले लेते। क्या बोलूँ मैं, कोई बहुत तजुर्बे है मामलात में, इसलिए मैं बयान करता, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा तुम लोगों को। और एक बात याद रखना, सब बातों का कंक्लूजन निचोड़ ये चाहिए कि इबादत करो ज़्यादा। बहुत कुछ है बोलने के लिए मगर अभी मैं कंटेनर नहीं, चलो रोक दो, बाद में बताऊँगा। बाखाने में बताए उसके बाद में दुआ पानी करें, मौलाना को बता दो हाजिर हुआ कहीं? नहीं, यहाँ हाजिर होगा। कितने बार में हाजिर हुआ? हाजिर करने कितने लिया? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ तो दिए होंगे, 10-5 लाख कुछ तो दिए होंगे। इधर मार के ये ऐसा रहता, सब अलग अलग चीज रहती, जहाँ जो चीज को कटना है वो वही कटती और जहाँ जिसको हाजिर होंगे बरोबर हाजिर करके मैं सामने ला के बताता। अगर मैं सामने लाकर नाम नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? फिर मैं बता के रहता सामने नाम और ला के ही रहता, वो बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें। मगर एक बात याद रखना, मैं बार बार यही बोलता कि दूसरे का घर जलाने जाएंगे तो तुम भी गर्म पानी से जल जाएंगे। चलो खैर, क्या बोलोगे? चल रहा अभी यहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, कुछ याद है क्या? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। तुम्हारे आंग में आई थी कुछ चीज और उसने सवाल जवाब करी यहाँ, कुछ सवाल जवाब कुछ याद है क्या? इधर मांग रखना। वो उनकी हाजिरी दो किस्म की रहती, एक 100%, एक 50%। 100% रहती पेशेंट को कुछ याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं, सवाल जवाब। दुआ के दो बाटलियाँ दिया ले पानी, एक पानी स्प्रे का मुँह पे मार देना, दूसरा पानी बड़ा बड़ा के पिला देना ज़्यादा से ज़्यादा। चलो रो।